कहानी नंबर 123, उत्तम शौच। एक बार एक स्कूल के छात्र ने अपने अध्यापक से पूछा कि ये लालच क्या होता है। अध्यापक ने उसे थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकली समझाने के लिए कहा कि स्कूल से बाहर एक बड़ी सी खिलौने की दुकान है, तुम वहां जाओ और अपना मनपसंद खिलौना लेकर आओ, पर शर्त यह है कि जब तुम खिलौना चुनने के लिए दुकान में घूमोगे तो फिर पीछे मुड़कर नहीं आ सकते, और खिलौना चुनते ही तुम्हें आगे के खिलौने ना तो देखने को मिलेंगे और ना ही अपना चुना हुआ खिलौना बदलने का मौका। छात्र उस दुकान पर जाता है, उसे एक खिलौना पसंद आता है, पर यह सोचकर कि कहीं आगे ज्यादा अच्छा खिलौना हुआ तो वह आगे बढ़ता गया। कई बार उसे लगा कि पीछे छूटा हुआ खिलौना ही ज्यादा अच्छा था, पर नियम के अनुसार वह पीछे मुड़कर नहीं जा सकता था। आखिर में वह बिना खिलौने के ही वापस अपने अध्यापक के पास आया और सारी बात अपने अध्यापक को बताई। तब उसके अध्यापक ने समझाया कि यही लालच है कि हमें जो मिलता है हम उसमें संतुष्ट ना होकर और ज्यादा और अच्छा पाने के कारण जो मिला होता है उसके भी महत्व को ना पहचान कर उसे भी खो बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए हमें लालची वृत्ति को काबू में करना चाहिए। लोभाधिक कषायों के अभाव में प्रकट होने वाले धर्म का नाम है उत्तम शौच धर्म। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य अवश्य करें। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और ढेर सारी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है।